पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड सेक के बारे में बात करते हुए एक टाउन में पहुंच जाते हैं, बट उनको पता चलता है कि इस टाउन में कोई भी क्वेस्ट नहीं होता है। उनको एक फॉरेस्ट पार करके अगले टाउन में जाना होगा जहां पर फर्स्ट क्वेस्ट होगा। फॉरेस्ट में रात हो जाती है जहां पर ऐश के पास जो एग था वो हैच होना स्टार्ट हो जाता है, पर तभी एक वाइल्ड पोकेमोन उसको चोरी कर लेता है। ड्रैकोनोस उस एग को वापस लाता है और फाइनली वो पूरी तरह से हैच हो जाता है और उसमें से एक पोकेमोन बाहर आ जाता है। अब आगे उस एग में से एक ऐसा पोकेमोन निकलता है जिसको ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री, सयना किसी ने कभी भी नहीं देखा था। इवन ड्रैकोनोस को भी इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। सभी लोग उस पोकेमोन को देखते रह जाते हैं। अचानक से पूरे जंगल में शांति हो जाती है। अब कोई भी पोकेमोन की आवाज नहीं आ रही थी। मानो कि पोकेमोन वर्ल्ड को भी पता हो कि एक अनोखा पोकेमोन पैदा हो चुका है। वो पोकेमोन अपनी आंखें खोलता है और आसपास देखता है। ये काफी छोटा पोकेमोन था। इसके टेल उसके माउथ के अंदर थे और ये क्रिस्टल के तरह ग्लो कर रहा था। वो पोकेमोन डर जाता है और ऐश उस पोकेमोन को देखकर पूरी तरह से शॉक रह गया था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है। ऐश अपने एटेरो रीजन का पॉकेटेक्स को बाहर निकालता है और उस पोकेमोन को स्कैन करता है, पर वो पॉकेटेक्स को भी नहीं पता होता है कि ये कौन सा पोकेमोन है। उसके पास कोई भी डेटा नहीं था। इसके बाद वो पॉकेटेक्स भी खराब हो जाता है। ऐश अपने कैंटो का पॉकेटेक्स यूज करता है बट वो भी काम में नहीं आता। वो पोकेमोन ऐश की तरफ आगे बढ़ता है। ऐश भी अपने हाथों को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। वो पोकेमोन ऐश के हाथ में आराम से बैठ जाता है, मानो कि वो ऐश को पहले से ही पहचानता हो। ऐश और उस पोकेमोन के बीच में तुरंत बॉन्ड बन जाता है जो कि ऐश के कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ बताता है। ब्रॉक धीरे से उस पोकेमोन के पास आता है और वो पूरी तरह से सरप्राइज रह गया था। ब्रॉक बोलता है, ये तो इनक्रेडिबल है, ऐसा कोई पोकेमोन तो हमने कहीं पर भी कभी भी नहीं देखा था। मैं सोच रहा हूँ कि ये कहाँ से आया होगा। मिस्टी की आंखें चमक उठती है। वो बोलती है कि ये तो एक बहुत ही ज्यादा शानदार पोकेमोन है। क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई लेजेंडरी पोकेमोन होगा? किसी और रीजन से सयना ऐश के पास आती है और बोलती है कि ये पोकेमोन एंशिएंट लग रहा है। ऐसा लगता है कि इसका पोकेमोन वर्ल्ड से एक डीप कनेक्शन है और इसीलिए पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में शांति हो गई थी। वो पोकेमोन ऐश की तरफ देखता है और ऐश भी उस पोकेमोन की तरफ देखकर बोलता है कि हम तुम्हें बचाएंगे और हम साथ में तुम्हारे सीक्रेट्स का पता लगाने वाले हैं। वो पोकेमोन भी ऐश की तरफ देखकर अपना सर हिलाता है। ड्रैकोनोस बोलता है, ये तो अनबिलीवेबल है, उस पोकेमोन ने ऐश को पहले से ही पहचान लिया है। जबकि एक नया पोकेमोन हमेशा डरा हुआ होता है और वो अपने जैसे पोकेमोन के अलावा किसी और से दोस्ती नहीं बनाता। मिस्टी बोलती है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये पोकेमोन उससे ज्यादा छोटा है, बट हाँ बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, अगर कोई पोकेमोन अंडे से निकलता है तो वो अपने बेबी फॉर्म में होता है। हो सकता है कि इसके पास कोई एवोल्यूशन हो जहाँ पर ये पूरी तरह से अनरियल लगता हो। अब तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ इसके एवोल्यूशन के लिए। ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो पिकाचू के साथ इस पोकेमोन को भी अपने कंधे पर रखेगा। इसी के साथ ऐश और उसके फ्रेंड्स अपने नए दोस्त के साथ जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वो ड्रैकोनोस को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेते हैं और ऐश सोच रहा होता है कि इस नए पोकेमोन का नाम क्या होगा। ब्रॉक बोलता है कि इसको देखते हुए लग रहा है कि एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन है और ज्यादातर ड्रैगन टाइप पोकेमोन अपना नाम सही से नहीं लेते, तो इसका नाम पता करना मुश्किल होने वाला है। ये एक मिस्टीरियस पोकेमोन है और किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है। मिस्टी बोलती है कि अब काफी रात हो चुकी है, हमें सो जाना चाहिए। सभी लोग मिस्टी की बात मानकर सो जाते हैं। कुछ टाइम बाद एक अमेजिंग रात के बाद सभी लोग सुबह उठते हैं और देखते हैं कि उनका नया फ्रेंड वहां से गायब है। ऐश बोलता है, क्या मेरा नया पोकेमोन कहा गया? तभी वो लोग देखते हैं कि वो पास में ही खेल रहा होता है। ब्रॉक बोलता है कि ये पोकेमोन अभी अभी एग से बाहर निकला है, इसको एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। ये पोकेमोन वर्ल्ड को देखकर पूरी तरह से शॉक है। तभी वो पोकेमोन देख लेता है कि ऐश उड़ गया है और वो ऐश के पास आकर खेलना स्टार्ट कर देता है। सयना बोलते हैं कि लगता है ये पोकेमोन तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही रात में। ब्रॉक बोलता है कि शायद इस पोकेमोन ने सबसे पहले ऐश को ही देखा हो, जैसे कि टोगेपी ने मिस्टी को देखा था। खैर अब टाइम आ चुका था जब ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़े अपने फर्स्ट क्वेस्ट के तरफ। इसीलिए सब लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाउन के तरफ जाने के लिए। वो लोग जंगल को पार करते हैं जिसके बीच में उनको काफी सारे वाइल्ड पोकेमोन्स देखने को मिलते हैं। ऐश नोटिस करता है कि यहाँ के वाइल्ड पोकेमोन काफी स्ट्रांग थे। वो पिकाचू जैसे स्ट्रांग पोकेमोन को भी एक टफ बैटल दे रहे थे, हालांकि लास्ट में पिकाचू जीत जाता था। सयना बोलती है कि अगर यहाँ के वाइल्ड पोकेमोन इतने स्ट्रांग है तो यहाँ के ट्रेंड पोकेमोन कितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे। ब्रॉक बोलता है कि यहाँ के पोकेमोन्स का पावर लेवल बहुत ज्यादा है, यहाँ के वाइल्ड पोकेमोन्स भी हमारे वर्ल्ड के सूडो लेजेंडरी पोकेमोन के इतने पावरफुल है। ये सुनकर सयना और मिस्टी पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। सयना बोलती है, इसका मतलब ये है कि ऐश के लिए पोकेमोन लीग में पार्टिसिपेट करना एक बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा। इनफैक्ट ये ऐश की अब तक की सबसे ज्यादा मुश्किल जर्नी हो सकती है। ऐश बोलता है कि मैं सारे चैलेंज के लिए रेडी हूँ, मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल से आया हूँ और ऐसे हार नहीं मानने वाला। बात करते हुए सभी लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ टाइम ट्रैवल करते हुए फाइनली उनको एक नया टाउन दिखाई देता है। ऐश बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है, फाइनली शायद यही वो टाउन होगा जहाँ पर मैं अपना फर्स्ट क्वेस्ट में कम्पीट करूंगा। ऐश भागते हुए टाउन की तरफ जाता है। ब्रॉक, मिस्ट्री और सयना उसको रोकने की कोशिश करते हैं पर ऐश नहीं रुकता। जैसे ऐश टाउन में एंटर करता है वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं और वो लोग ऐश को वेलकम करते हैं। ये चीज ऐश को अजीब लगती है बट वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा स्वागत है ब्रुकशायर विलेज में।
ऐश बोलता है, वुकशायर विलेज, ये तो इंटरेस्टिंग है, क्या तुम मुझे इसके बारे में और भी चीजें बता सकते हो? वो लोग बोलते हैं, बिल्कुल, ज्यादातर पोकेमोन ट्रेनर सिसी टाउन से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर वो अपने फर्स्ट क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐश बोलता है, क्या यहाँ पर एक क्वेस्ट है? ये बोलकर ऐश उन दोनों को पुश कर देता है और टाउन में अंदर चले जाता है क्वेस्ट में कम्पीट करने के लिए। सरीना और मिस्ट्री भी ऐश के पीछे जाते हैं, पर ब्रॉक रुककर उन दोनों लोगों से बात करता है। वो बोलता है, वेल, इस टाउन के अंदर कहाँ पर क्वेस्ट हो रहा है और हम उस क्वेस्ट में कैसे कम्पीट कर सकते हैं? वो लोग बताते हैं कि इस टाउन के बिल्कुल मिडल में काफी ज्यादा बड़ा स्टेडियम होगा, जहाँ पर तुम क्वेस्ट में कम्पीट कर सकते हो। वहाँ पर जाकर तुम रजिस्टर भी कर सकते हो और तुम्हें पता चल जाएगा कि वो क्वेस्ट किस चीज का है। ये हर बार बदलते रहते हैं। ब्रॉक उन दोनों को थैंक यू बोलता है और वो भी मिस्ट्री सईना और ऐश के पास चले जाता है। ब्रॉक बोलता है कि मैंने उन दोनों लोगों से क्वेस्ट की लोकेशन पूछ ली थी, हमें इसके लिए टाउन के मिडल में जाना होगा। ये टाउन बहुत ज्यादा बड़ा होता है और आगे बढ़ते हुए सभी लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल से ज्यादा पोकेमोन ट्रेनर्स थे। मिस्ट्री बोलते हैं कि पिछला टाउन तो पूरी तरह से खाली था और हमें जंगल के अंदर भी बहुत ही कम पोकेमोन ट्रेनर्स देखने को मिले थे। ब्रॉक बोलता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्वेस्ट हो रहा है और काफी सारे पोकेमोन ट्रेनर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए हो। सभी लोग बुकशायर टाउन के मिडल में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा स्टेडियम देखने को मिलता है। ऐश बोलता है, शायद हमें यहीं पर क्वेस्ट के लिए पार्टिसिपेट करना है। वो लोग स्टेडियम के गेट पर जाते हैं, जहाँ पर कुछ गार्ड्स होते हैं और वो लोग ट्रेनर्स का नाम रजिस्टर कर रहे होते हैं। ऐश जाकर अपना नाम भी रजिस्टर कर देता है एंड वो लोग ऐश को क्वेस्ट के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि एक बेबी पोकेमोन क्वेस्ट होने वाला है, जहाँ पर सारे पोकेमोन ट्रेनर्स सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेज बेबी पोकेमोन्स का यूज कर सकते हैं। अगर कोई पोकेमोन ट्रेनर यहाँ पर सेकंड या फिर थर्ड स्टेज पोकेमोन को यूज करने की कोशिश करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऐश नर्वस हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई भी बेबी पोकेमोन नहीं था, उसके पास सारे के सारे फुली इवॉल्व पोकेमोन थे। गार्ड बोलता है कि इस टूर्नामेंट के अंदर 200 से भी ज्यादा पोकेमोन ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट कर लिया है और ये बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हें अपने बेबी पोकेमोन्स का यूज करके सामने के सारे चैलेंजर्स को डिफीट करना है और इन सारे पोकेमोन ट्रेनर्स में जो पोकेमोन ट्रेनर लास्ट में बचता है और सारे पोकेमोन ट्रेनर्स को डिफीट कर देता है उसी को सिंबल दिया जाएगा और वही आगे प्रोसीड कर सकता है, बाकी सारे पोकेमोन ट्रेनर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था, ना ही ऐश के पास कोई बेबी पोकेमोन था और उसके पास प्रिपेयर करने का टाइम भी नहीं था।